इंद्रगढ़ शहर में बीते कई दिनों से जलापूर्ति गड़बड़ा रही है। शहर में ठेकेदार कर्मचारियों की लापरवाही के चलते शहर की जलापूर्ति गड़बड़ा रही है। शहर के कई वार्ड में 5 घंटे तो कहीं पर सिर्फ 5 मिनट की सप्लाई हो रही है। शहर में जलापूर्ति की समस्याओं को लेकर जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता, उच्च अधिकारियों को अवगत करवा दिया है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। शहर वासियों की समस्याओं को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष बाबूलाल बैरवा, नगर कांग्रेस अध्यक्ष सनमति हरकारा, पार्षद नरेंद्र जैन, पार्षद पति पंकज सैनी, पार्षद पति दीपक जैन ने जलदाय विभाग कार्यालय में पहुंचकर लिपिक देवीलाल को समस्याओं से अवगत करवाया और दूरभाष पर XN कनिष्ठ अभियंता व सहायक अभियंता को भी समस्याओं से अवगत करवाकर शीघ्र समस्या के समाधान की मांग की। इंद्रगढ़ में कनिष्ठ अभियंता कार्यालय होने पर भी आज तक कार्यालय में कनिष्ठ अभियंता नहीं देखने से शहरवासी अपना दुख किसको सुनाए। वहीं जलदाय विभाग कार्यालय में विभाग का एक लिपिक देवीलाल मीणा कार्यरत है। वो कार्यालय के कमरों में निवास कर रहा है, जबकि निवास करने के लिए अलग से आवास है। उच्च अधिकारियों की अनदेखी के चलते लिपिक कार्यालय के कमरों में निवास कर रहा है। कई दफा शहरवासी अपनी समस्याओं को लेकर जाते हैं, लेकिन कार्यालय पर ताला देख केवल निराश होकर लौट आते हैं। जनप्रतिनिधियों ने बताया, जल समस्याओं का समाधान नहीं होने पर कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन व चक्का जाम किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जलदाय विभाग की ही होगी। मनीष सेन, संवाददाता, इंद्रगढ़, जिला बूंदी, राजस्थान।